हेलो फ्रेंड्स, आज हम नेशनल सिंबल्स के अंदर नेशनल एम्बलम के बारे में जानेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर कितने टाइप ऑफ एनिमल्स को दिखाया गया है। यदि आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी है तो इस चीज का आप आंसर दीजिए पोज करके, नहीं तो सबसे पहले हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। इस इन नेशनल एम्बलम फोर टाइप ऑफ एनिमल्स को दिखाया गया है। देखो, जब हम इसको ऊपर की साइड से देखते हैं ना, ऊपर की साइड से देखते हैं तो चार लोयन दिखते हैं, चार शेर दिखते हैं अपोजिट। ठीक है, ये ऊपर से व्यू देख रहे हैं और नीचे की तरफ हमें एक चक्र दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र। इसके अंदर 24 तिलियां होती है। ये 24 तिलियां ये दर्शाती हैं कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए 24 घंटे तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, और वो चार एनिमल्स कौन कौन से हैं? पहला तो है लोयन, सबको पता है। सेकेंड है हॉर्स, थर्ड है बुल, फोर्थ इसके बारे में नहीं पता, वो है एलिफेंट। ठीक है, लोयन दर्शाता है कि हमारी शान को, हॉर्स दिखाता है हमारी एनर्जी को, हमारी स्पीड को, बुल दिखाता है हार्ड वर्क को, हमारी स्ट्रेंथ को, एलिफेंट दिखाता है हमारी पावर को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर टाइप ऑफ एनिमल्स हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के अंदर दिखाए गए। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से? वो भी सरनाथ वाराणसी के अंदर पिलर ऑफ अशोक से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। 26 जनवरी 1950 के अंदर हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था और इसके नीचे है ना लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की ही विजय होती है। ऊपर चार शेर, बीच में धर्म चक्र जिसके अंदर 24 तिलियां है, चार एनिमल्स है, ये बात याद रखना। इसके अंदर लोयन, एलिफेंट, हॉर्स और बुल। एलिफेंट हमारी पावर को दिखाता है, हॉर्स एनर्जी स्पीड को दिखाता है, बुल अपने हार्ड वर्क को दिखाता है और लोयन अपनी शान को दिखाता है। बस नेशनल एम्बलम के अंदर बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे नेशनल सिंबल के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।